दोस्तों आज एक ऐसे चिकन बनाते हैं जो कि बैचलर्स हो या किसी को जल्दी से चिकन बनाना हो तो उनके बहुत काम आएगा। पकाने में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इंग्रेडिएंट्स टाइम सब कम लगेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलो देखते हैं। अब दोस्तों ये मसाला गार्लिक चिकन रोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चिकन चाहिए और चिकन को आपने अच्छे से वॉश करना है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन में 1 टेबलस्पून विनेगर डाला है और उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून नमक डाला है ताकि जो चिकन के प्रोटीन्स हैं वो थोड़े से खुले और जितना ब्लड है या जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो आराम से निकल जाए। साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर एंटीसेप्टिक यानी कि हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से जब रगड़ोगे तो चिकन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो अच्छे से निकल जाएंगी और चिकन एकदम साफ हो जाएगा। आप बस अच्छे से रगड़कर पानी में डालकर इसको 10 से 15 मिनट रख देना और 10 से 15 मिनट के बाद आप पानी से इसको 2 से 3 बारी अच्छे से धो लेना। आप देखो चिकन कितने अच्छे से साफ हो गया है। चिकन फ्राई जब भी आप बना रहे हो या जब ऐसे रोस्ट करके चिकन बना रहे हो तब हमेशा चिकन के छोटे छोटे पीसेस लेना। छोटे छोटे चिकन के पीसेस एक तो बहुत जल्दी पक जाते हैं, दूसरा जो बेनिफिट है ना छोटे पीसेस का वो ये है कि वो उनको मैरिनेशन पर बहुत देर तक नहीं रखना पड़ता। तो मैंने क्या किया है कि मैंने अब चिकन में लगभग 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी हल्दी और डाली है। इन सब चीजों को अच्छे से मिलाया है और इसको आपको मिनिमम 15 मिनट के लिए रखना है मैरिनेशन में। मैं तो बोलूंगा कि 1 घंटे रख पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मिनिमम 15 मिनट तक आप रख ही देना। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि जब भी आप चिकन को मैरिनेशन में रखते हो ना तो आप कोशिश करना कि उसको फ्रिज में रखना। अगर फ्रिज नहीं है तो कोई ठंडी जगह पर रखना, इससे मैरिनेशन जल्दी से अंदर तक जाती है। जब तक चिकन रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर बाकी चीजें तैयार कर लेते हैं। मैंने इस रेसिपी में 3 प्याज को एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। फाइनली चॉप करने से वो जल्दी से गल जाएंगे। आप प्याज को घिस सकते हो लेकिन गलती से भी इनका पेस्ट मत बना देना। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और उनको ऐसे स्लाइसेस में कर दिया है। और अब इस रेसिपी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मसाला। मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली है और उसके साथ साथ 5 छोटी इलायची को अच्छे से कूट लिया है। ध्यान रहे काली मिर्च इस रेसिपी में फ्रेश ही लेनी है, तभी मसाले का एकदम पंची वाला स्वाद आएगा। इसके साथ साथ भुना हुआ जीरा डालना, 2 टीस्पून तक धनिया पाउडर, गरम मसाला मैंने यहाँ पर डाला है, स्पाइसी वाली लाल मिर्च और उसके साथ साथ 1 टीस्पून तक कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग बहुत बढ़िया देगी। बस दोस्तों आपने यही चीजें डालनी है और ज्यादा चीजें डालने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और क्योंकि ये गार्लिक चिकन रोस्ट है तो लहसुन तो डालनी ही पड़ेगी ना, तो मैंने यहाँ पर लगभग 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और उनको अच्छे से कूट लिया है। दोस्तों कूट के ही डालना और फ्रेश लहसुन का ही इस्तेमाल करना, गलती से अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल मत कर लेना नहीं तो वो स्वाद नहीं आएगा जो फ्रेश चीजों में आता है। अब सारी तैयारियां हो गई है तो अब मैं आपको जो पकाने का तरीका है वो अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको चिकन सॉफ्ट बनाना है तो पकाने का तरीका एकदम सटीक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और पैन में सबसे पहले लगभग 1/4 कप तक सरसों का तेल डाल दिया है या 2 लेडल आप मान के चलो। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया उससे धुआं निकलने लग गया, फिर आप सबसे पहले लहसुन को डालना ताकि वो भुने और उसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। उसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है और प्याज डाल दिया है। आप टाइमिंग ध्यान से देखना कि करी पत्ता से मैं कैसे फ्लेवर निकाल कर लाऊंगा। इस रेसिपी में ना आपको प्याज को ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। जैसे ही इनका रंग हल्का हल्का बदलना शुरू हो जाएगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसमें ही हो जाएगा ये देखो आप इस स्टेज तक। तो आप थोड़ी सी अदरक घिस कर डाल देना, अगेन फ्रेश अदरक डालना दोस्तों, क्योंकि फ्रेश अदरक लहसुन का स्वाद तो इस रेसिपी में 4 चांद ही लगाएगा। हल्का सा मैंने रोस्ट किया है अदरक को, ज़्यादा नहीं किया है, और अब देखो प्याज भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करें। बस इसी टाइम पर आप यहाँ पर चिकन डाल देना जो मैरिनेटेड था। इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता दोस्तों, तो गलती से मत करना। फिलहाल यहाँ पर हाई फ्लेम पर कुकिंग करना, सारी हाई फ्लेम पर ही आपको चिकन को डालना है और थोड़ा सा रोस्ट करना है। और भाई रोस्ट करना है या फ्राई करना है तो वो स्मोकी इफेक्ट तभी आएगा ना जब हाई फ्लेम पर कुकिंग होगी, तो ये चिकन इतना टेस्टी बनेगा कि सच में आग ही लगा देगा। खैर दोस्तों आपने तब तक पकाना है जब तक कि चिकन का कलर पिंक से थोड़ा सा वाइट नहीं हो जाता। ये देखो कलर चेंज हो गया चिकन का। बस इस टाइम पर आप यहाँ पर हरी मिर्चें डाल देना कटी हुई, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपने यहाँ पर डालना है वो है नमक। इस टाइम पर आपने नमक डालना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन के अंदर तक फ्लेवर आए, नहीं तो अगर आप बाद में एंड में डालोगे तो वो फ्लेवर ही नहीं आएगा। अब
आपने गैस को एकदम लो फ्लेम पर करना है, एकदम लोएस्ट फ्लेम पर, और यहाँ पर ढक्कन लगाकर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। घड़ी से देखकर एकदम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक आप इसको पकने देना। मुझे पता है आप सोच रहे हो भरत भाई पानी तो है ही नहीं, पकेगा कैसे अगर जल गया तो? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, गलती से इसको खोल के भी मत देख लेना। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, 10 मिनट तक आप पकने देना, चिकन अपने आप ही अपना पानी छोड़ेगा और आप बाद में खुद ही देखना कि इसके अंदर कितना पानी होगा। ये देखो है ना दोस्तों, पानी कितना ज्यादा है, और चिकन अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकदम अच्छे से पक चुका है, 90% तक पक चुका है। ये देखो कितना सॉफ्ट है। तो बस अब आपने इस पानी को रिड्यूस करना है, तो गैस को गलती से भी हाई फ्लेम पर नहीं करना, नहीं जल्दबाजी नहीं, मीडियम फ्लेम पर पकाना, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर करोगे तो चिकन हार्ड हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पर अभी पकाना और पानी को रिड्यूस करने के लिए वो मसाला डाल देना बैचेस में, पहले थोड़ा सा डालना, उसको अच्छे से मिलाना, और फिर सेकेंड बैच डालना और उसको अच्छे से मिलाना। इसे होगा क्या कि मसाला धीरे धीरे फूलेगा और वो एकदम चिकन के साथ चिपक जाएगा अच्छे से। एंड के पार्ट में मैंने जानबूझ के फिर से कड़ी पत्ता डाला है ताकि उसकी खुशबू आए। पहले हमने फ्लेवर के लिए डाला था और अब हमने खुशबू के लिए डाला है, और आपने अब तब तक पकाना है जब तक कि चिकन से सारा तेल अलग नहीं हो जाता। आपको लग रहा है कि चिकन बन चुका है, अभी एक पार्ट अभी मिसिंग है, अभी बताता हूँ। आप थोड़ा सा धनिया डालना, गैस को बंद कर देना इस टाइम पर, और यहाँ पर सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए नींबू डालना मत भूलना। थोड़ा सा खट्टापन होगा तो बैलेंस बहुत ईवन आएगा, और अभी आप देख ही सकते हो कि चिकन कितना सॉफ्ट है ना दोस्तों। आप ये चिकन बनाकर जरूर देखना, एकदम परफेक्ट चिकन बनकर आएगा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये देखो सिर्फ लेग पीस ही नहीं, ब्रेस्ट पीस या कोई भी पीस आप चेक कर लेना, बहुत ही बढ़िया बनेगा। दोस्तों अगर आपको एक गार्लिक चिकन की रेसिपी पसंद आई है तो एक बार मेरी पेपर चिकन की रेसिपी आप देखना, वो भी आपको बहुत पसंद आएगी और वो भी इंस्टेंटली बन जाएगी।